पॉलिटिक्स में खुद को आम आदमी बताकर पॉलिटिक्स में आने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे आम से खास हो गए, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। और ऑपरेशन शीश महल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त। टाइम्स नाउ ने भारत के ऑपरेशन शीश महल ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया है। और ऑपरेशन शीश महल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सच दिखाया है उससे आम आदमी, जो असली आम आदमी है, वो शॉक्ड है, वो हैरान है। आम आदमी को यकीन नहीं हो रहा कि खुद को आम आदमी बताने वाले और अपनी सादगी की सियासी मार्केटिंग करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को सजाने में, चमकाने में करोड़ों लगा दिए। बॉस, हम और आप जीवन में करोड़ रुपए का घर खरीदने का सोच लें, यही बड़ी बात होती है। इन्होंने, जिन्होंने कहा था कि मैं तो घर तक नहीं लूंगा, घर भी ले लिया। अच्छा, घर बनाने में करोड़ों लगाते तो समझ में आता, घर चमकाने में, बने घर को चमकाने में करोड़ों लगा दिए। यह खुलासा देखकर आम आदमी बार बार अपने घर के पर्दे देख रहा है, बार बार अपनी दीवारें देख रहा है, बार बार अपने घर की फर्श देख रहा है, कह रहा है बॉस हम क्या ही जी रहे हैं, फिर हम कौन से आदमी हैं और ये कौन से आम आदमी हैं, और क्यों पर्दा जमीन देख रहा है, अभी आपको विस्तार से बताऊंगा कि करोड़ों के पर्दे कौन आम आदमी लगवाता है भाई, कौन फर्श पर 3 करोड़ का मार्बल लगवाता है, कौन 5 करोड़ रुपए दीवारों पर खर्च कर देता है, और अपना करते तो कोई बात नहीं थी, ये सरकारी पैसा है बॉस, हमारे आपके टैक्स का पैसा है, उधर फ्री फ्री में देते रहे, इधर घर को ऐसा चमका दिया कि सारा फ्री वाला वसूल हो गया। ऑपरेशन शीश महल ने जो खुलासा किया है उसकी एक एक डिटेल से राजनीति में हड़कंप आया हुआ है। ट्विटर पर ऑपरेशन शीश महल नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, हर जगह लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, खुद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे भी ऑपरेशन शीश महल देख रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, अन्ना हजारे खुद मोबाइल पर बैठकर ऑपरेशन शीश महल देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। और अन्ना हजारे क्या सोच रहे होंगे, आप सोचिए कि जो अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स में लेकर आए, वो एक छोटे से कमरे में चारपाई पर सोते रह गए और उनका चेला, उनका शिष्य अब सीएम के बंगले में रहता है और वो शीश महल जैसा बंगला हो गया, 8-8 लाख के पर्दे लगा रहा है, 3-3 करोड़ के जो हैं वो मार्बल बिछ रहे हैं। अन्ना हजारे ऑपरेशन शीश महल देखकर स्तब्ध हैं, चुप हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि केजरीवाल क्या से क्या हो गए देखते देखते। उन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, वो खुलासा देखकर आम आदमी की तरह सकते में, क्योंकि जो केजरीवाल कभी कहते थे कि ना ना मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, वो अपने बंगले पर इस तरह से पानी की तरह पैसा बहाएंगे, वो भी आम आदमी का, ये अन्ना हजारे ने भी नहीं सोचा होगा। अन्ना हजारे आज भी कुटिया में रहते हैं, उनके आंदोलन से सत्ता में पहुंचने वाले केजरीवाल बंगले में चले गए शीश महल में, जिसके रेनोवेशन पर, सजावट पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने में उनको हिचक नहीं हुई। टाइम्स नाउ ने भारत के ऑपरेशन शीश महल की एक एक डिटेल हैरान करने वाली है। आपको एक एक खुलासा आज विस्तार से बताता हूं, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा, पहले यह देखिए, फिर सबसे बड़ी बात बताऊंगा। लेकिन केजरीवाल पर जो भी खुलासे होंगे, जो ऑपरेशन शीश महल में अब तक नहीं हुए, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो खुलासे हुए हैं पहले वो सुनिए, क्योंकि लोग सकते में हैं उसके बारे में सुनकर। भाई, लोगों ने अरविंद केजरीवाल के इस आंदोलन में जिससे वो राजनीति में चमक गए, उसके लिए लोग कहां कहां से इंडिया से आते थे भाई, कि ये आदमी पॉलिटिक्स बदलने आया है। लोग अपना पैसा लगा रहे थे कि लो लो मेरे से भी पैसा लो, लेकिन इंडिया बदल दो। इन्होंने तो घर के पर्दे बदले तो 1 करोड़ लगा दिया, घर के मार्बल बदले तो 3 करोड़ लगा दिया, ये केजरीवाल किसने देखा था। 11 करोड़ रुपए से ज्यादा तो केजरीवाल के घर के इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च हो गए भाई, 11 करोड़। 6 करोड़ से ज्यादा रुपए स्टोन और मार्बल की फ्लोरिंग पर खर्च हुए, 1 करोड़ रुपए सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर खर्च हो गए, 2.5 करोड़ रुपए करीब करीब इलेक्ट्रिकल फिटिंग और गैजेट्स अप्लायंसेस पर खर्च किए गए। इलेक्ट्रिकल फिटिंग भाई 2.5 करोड़ रुपए की, आम आदमी इतने ऐसा करोड़ों का इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगा ले उसको तो करंट मार देगा इसी में, कि बॉस ये करोड़ों की इलेक्ट्रिकल फिटिंग कैसे होती है। 2.85 करोड़ रुपए फायर फाइटिंग सिस्टम पर खर्च हुए, करीब 1.5 करोड़ रुपए वार्डरोब पर, यानी अलमारी बनाने पर, एसेसरीज पर, फिटिंग्स पर खर्च कर दिए।
1,10,00,000 रुपए किचन पर खर्च हो गया, किचन पर 1,10,00,000, और वो भी उस दौर में जब कोरोना का संकट काल चल रहा था और लोग सोच रहे थे हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। 1,10,00,000 का किचन बना है बॉस, पैंट्री, किचन, अप्लायंसेस के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हमारे रिपोर्टर खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री दरवाजा खोलेंगे और हमारा कैमरा अंदर जाएगा और दिखाएगा कि अंदर क्या। आप ही बताइए ना बॉस, एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर को रेनोवेट करने के लिए कितना खर्च कर सकता है? 2-4 लाख रुपया, बहुत ज्यादा हुआ तो 10 कर देगा, उसके बाद तो बस कर देगा कि नहीं इससे ज्यादा नहीं खर्च होगा रेनोवेशन में। लोग कहते हैं इतने इससे ज्यादा खर्चा करेंगे तो नया घर नहीं ले लेंगे, लेकिन जो आम आदमी की राजनीति करने का दावा करते हैं उनके घर का रेनोवेशन कॉस्ट आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक एक डिटेल आज आपको बढ़कर बताता हूं, क्योंकि अभी जो बिल मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां क्या क्या पैसा लगा है, आपके कान से धुआं फेंक देगा बॉस, कान से धुआं। ये सुनिए, 44 करोड़, 78 लाख रुपए इतना पैसा खर्च हुआ है किस पर? अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को शीश महल की तरह चमकाने, 44 करोड़ 78 लाख, और ये अरविंद केजरीवाल की जेब से नहीं गया है बॉस, हमारी आपकी जेब से गया, ये सरकारी पैसा है। और मैंने तो यहां तक स्कोप दिया था कि चलिए सरकारी पैसा है, अधिकारियों ने हो सकता है गलत कागज बना दिए हो, अरविंद केजरीवाल घर का दरवाजा खोले दिखा दें कि भाई हमारा घर देख लो, मैं तो कुटिया में रहता हूं, हमारा रिपोर्टर खड़े हैं, 3-3 रिपोर्टर खड़े हैं उनके घर के बाहर, कोई घुसने नहीं दे रहा है। अच्छा इतना नहीं करते तो इसी बाबत खोल दें घर, लोग तो कह रहे हैं कि भाई टिकट ले लो, टिकट लगा दो, टिकट का पैसा ले लो, लेकिन घर में 8 लाख का पर्दा कैसा होता दिखा दो, हमने 8 लाख का पर्दा नहीं देखा। लोग कह रहे हैं 3 करोड़ का मार्बल कैसा होता है, एक बार उस पर लेट के ही देख लें, उसका टिकट ले लो लेकिन दिखा दो। आप सोचिए ना, 44 करोड़ 78 लाख का रिनोवेशन होता है बॉस, इतने में तो नया घर बन जाता है। और अभी कोई एक बार हिसाब बता रहे थे, संगीत रागी प्रोफेसर है, इतने में तो पूरा का पूरा कॉलेज बन जाता है। आपको मैं बताऊं, ये 44 करोड़ 78 लाख ये जो अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल बनाने उसकी तरह चमकाने में खर्च हुए, इसमें क्या क्या हो सकता था आपको पता है? 1 क्लासरूम, सिर्फ आपको क्लासरूम और मोहल्ला क्लिनिक बताता हूं, ये इसी की बात बोलते हैं ना कि भाई हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। 25 लाख रुपए का 1 क्लासरूम अगर मान के चलिए तो इस 44 करोड़ 78 लाख रुपए में 180 क्लासरूम बन सकते थे, और ये भी कोई ऐसे छोटे मोटे क्लासरूम नहीं भाई, हाई क्लास क्लासरूम बनते, सुपर फैसिलिटी वाले। 25 लाख का अगर एक क्लासरूम का बजट रख रहे हैं, 180 क्लासरूम बनते, लेकिन वो तो चला गया पैसा शीश महल की तरह बनाने में। एक मोहल्ला क्लिनिक अगर 20 लाख रुपए का भी बनाते तो 224 मोहल्ला क्लिनिक बन सकते थे, अरविंद केजरीवाल के घर को राजा की तरह चमकाने में जितना पैसा खर्च हो गया। केजरीवाल के घर को सजाने में जो करीब करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, अब उसकी डिटेल सुनिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल के बंगले की हालत बहुत खराब थी और उससे ऐसी मरम्मत की जरूरत थी कि उसमें करोड़ों रुपए के कंस्ट्रक्शन का काम करवाना पड़े, तो बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों रुपए का खर्च केजरीवाल के बंगले को सजाने में लगा है। आप सोचिए कि किसी के घर में कर्टेंस यानी पर्दे ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए के लग जाएंगे? 500 ना 100 रुपए, 1000 रुपए का पर्दा लगता है। बहुत ब्रांडेड ले लीजिएगा तो 1000 ना 2000 का ले लीजिएगा, 5000 का ले लीजिएगा, 7000 का ले लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो पर्दे लगाए गए उनमें एक एक पर्दे की कीमत सुनिएगा तो कान का पर्दा जो है झंझन आ जाएगा। एक पर्दे की कीमत 5,05,087 रुपए, दूसरे पर्दे की कीमत ये देखिए, ये तो आपको प्रतीकात्मक दिखा रहा हूं, इसी टाइप के पर्दे लगे हैं। एक पर्दा 5,05,000, दूसरा 6,22,340 का पर्दा है, तीसरे पर्दे की कीमत 5,59,162 रुपया, चौथे पर्दे की कीमत 7,94,071 रुपया,
पांचवा पर्दा अरविंद केजरीवाल के घर का 3,57,291 रुपया, छठा पर्दा 5,84,794 रुपया का, सातवां पर्दा 6,913 रुपया का, आठवां पर्दा 3,92,247 रुपए का है। ऐसे आठ पर्दे लगे हैं जिनकी कीमत 45,58,640 रुपया का। 45 लाख का पर्दा लग गया भाई, ये क्या ऐसा कौन सा रेनोवेशन की जरूरत होती है? कितने लोग कह रहे हैं कि बॉस एक बार हमको ये पर्दा छुअलवा दे केजरीवाल जी, हम जीवन भर वोट देंगे, एक बार छुआ दे कि कैसा ऐसा पर्दा होगा। लेकिन बात सिर्फ आठ पर्दे की नहीं है, आठ पर्दे में काम नहीं चला भाई, शीश महल है, आठ पर्दा में काम चलेगा। 23 पर्दे लगे केजरीवाल जी के घर में, आठ का बिल है, आठ पर्दे का बिल आया करीब 45,58,640 रुपया, 45,58,640। बाकी जो 15 पर्दे हैं उनका बिल कितना आया? 51 लाख, और ये इनमें से कुछ अभी लगने हैं, इनका ऑर्डर गया हुआ है शायद, 564,594। यानी अगर इन आठ और पांच यानी 23 पर्दा हुआ, इसका बिल जोड़िएगा तो ये बैठ रहा है 97 लाख रुपया, 97,23,234 रुपया। 97 लाख का जब अपनी जेब से खरीदना पड़ता है ना, तो आदमी जो है या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है या इधर उधर से कुछ करता है तब होता है, लेकिन सरकारी पैसा जाता है तो किसी को लगा। 1 करोड़ में लोग बॉस घर खरीद लेते हैं, और 1 करोड़ का घर खरीदने वाले कितने होंगे इस देश में? यहां 1 करोड़ का पर्दा लग रहा है, लगभग 1 करोड़ का पर्दा। अगर आप बहुत ही हाई एंड पर्दे खरीदने भी जाएंगे तो वो भी आपको बाजार में 25,000 रुपए से 35,000 रुपए के बीच आसानी से मिल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के घर में लगे पर्दों की जो डीटीआई है उसके मुताबिक वो पर्दे मोटराइज्ड यानी ऑटोमेटिक पर्दे। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ऑटोमेटिक पर्दे कैसे होते हैं, क्योंकि वो तो आम आदमी है। आज मैं आपको बताता हूं, स्मार्ट या ऑटोमेटिक पर्दे रिमोट से चलते हैं, यानी आप टीवी की तरह रिमोट से पर्दे खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। और अगर आप बाजार में स्मार्ट पर्दे खरीदने जाएंगे तो ये आसानी से 25,000 से 35,000 रुपए तक में मिल जाएंगे। अब ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल के घर में लगे पर्दे कौन से हैं, जो कोई पर्दा 5 लाख का है, कोई 8 लाख का है, कोई 6 लाख का है, ऐसा क्या पर्दा है भाई? ये वही केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित के घर में लगे एसी का भी हिसाब मांगते थे। 2012 में दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के घर के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके घर में तो 10-10 एसी लगे हैं जिसका बिल जनता के पैसों से जाता है। सुनिए केजरीवाल की वो पुरानी बात, फिर आगे और बताने वाला। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशन्ड है ऊपर से नीचे तक, उनका टॉयलेट भी पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशन्ड चलता है उनका पखाना भी, उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। सुनो, तेल वेल सब खत्म हो गया, दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। अरे भैया, दिल्ली सचिवालय में तो बैठ के फिर भी काम हो रहा था, लेकिन वहां बताया जा रहा था उस जमाने में जब अरविंद केजरीवाल थे और उसका पैसा जो है आम जनता ने भरा है। तो आपके घर के पर्दे जो है ये बराक ओबामा ने भरे हैं पैसे क्या, या डोनाल्ड ट्रंप ने स्पॉन्सर किया? ये भी आम आदमी का ही पैसा लगा हुआ सर। लेकिन अब जो है वो उससे चिंता नहीं हो रही। इनके प्रवक्ता आकर, इनके नेता आकर क्या बता के गए हैं वो भी बताऊंगा आगे। आज वो खुद सरकारी आवास पर करोड़ों के पर्दे लगवा रहे हैं।
आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगवाना बहुत ज्यादा है? आप इसी में सोच रहे हैं कि अरे बाप रे शौक लग गया, 1 करोड़ का पर्दा लगा है, अभी तो जमीन निकल जाएगी आपके पैर के नीचे से जब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के घर की जो जमीन है उस पर जो मार्बल लगा है वो कितने का है। केजरीवाल के घर पर जो मार्बल लगा हुआ है वो यहां बगल से कहीं जयपुर और दूसरी जगहों से नहीं आया है, वो भाई साहब इंपोर्टेड है, वियतनाम का डियोर पर्ल मार्बल लगा हुआ है। 10,000 स्क्वायर फीट में डियोर पर्ल मार्बल लगाया गया है, सुन लीजिए, नाम भी नहीं सुने होंगे, डियोर पर्ल मार्बल। और इस मार्बल की कीमत है 1,15,790 रुपया। यह मार्बल लगा है 1,15,00,000 रुपया का। आम आदमी के घर में 1,15,790 रुपया का मार्बल लग जाएगा, बिस्तर ही नहीं खरीदेगा, कहेगा हम जमीने पे सोएंगे ना, इतना पैसा लगाए। अच्छा सुनिए, सिर्फ मार्बल लगा नहीं है, मार्बल की पॉलिशिंग पर, पॉलिश करने पर 21,60,230 रुपया का खर्चा आया है। मार्बल लगाने पर कुल खर्च भी सुन लीजिए 3,33,88,788 रुपया। 3 करोड़ से ज्यादा का मार्बल लगा है बॉस, और ये हैं आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी के मसीहा अरविंद केजरीवाल जी का। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि घर मत बनवाइए, बनवाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐशो आराम से मत रहिए, रहिए, लेकिन बॉस अपने आप को ना अलग मत बनाइए। सबको बेईमान बताकर आप पॉलिटिक्स में आए कि देखो ये जनता का पैसा खाते हैं, और आज आप क्या कर रहे हैं बॉस? CPWD लगा रहा था, आपने मना क्यों नहीं किया? आपको अगर दिक्कत थी तो ये मेरे घर में 8 लाख का पर्दा लगेगा जी, हटाओ इसको, उतारो, मेरे घर में वियतनाम से आके मार्बल लगेगा, अपने देश में मार्बल कम है जी, हटाओ इसको, निकालो। आप सोचे अंदर कैमरा आ कर रहा है, यही सोच लिए थे क्या? जो केजरीवाल अपने घर के फर्श को 3-3 करोड़ के मार्बल से चमका रहे हैं, सोचिए वो वही केजरीवाल हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी फर्श पर पेपर बिछा कर लेट जाते थे। भाई आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाता हूं, इनके आंदोलन को सपोर्ट करने वाले आज रो रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आंख में आंसू आ गए कि क्या से क्या हो गया है। पेपर बिछा के सोने वाले अरविंद केजरीवाल 3 करोड़ का मार्बल बिछाए हैं घर में, यह भी एक पुरानी तस्वीर है जिसमें सड़क पर कंबल लेकर लेट गए थे, देखिए जरा, सड़क पर लेट गए थे भाई साहब, मफलर लपेटा, कंबल लपेटा, सड़क पर लेट गए। अब 3 करोड़ का मार्बल लगाना पड़ता है। अभी तो आपको यही पता चला है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर करोड़ों के पर्दे लगे, वियतनाम से आया मार्बल लगा। अब जरा अलमारी के बारे में सुनिए, वार्डरोब जिसको कहते हैं, सीएम के बेडरूम में जो उनका अपना बेडरूम है उसमें जो ड्रेसर होता है, ड्रेसर समझते हैं क्या होता है? आम आदमी नहीं समझता, आम आदमी क्या है, कच्चा बनियान सब लेके बाथरूम में जाता है, वहीं से बदल के पहन के आता है। बड़े लोगों के घर में क्या होता है कि बेडरूम और बाथरूम के बीच में एक हिस्सा होता है जहां आप कपड़े बदलते हैं, तैयार होते हैं, सजते संवरते हैं, उसको ड्रेसर कहते हैं। उसका खर्च आया है 7,86,707 रुपया तैयार होने के एरिया के लिए, ड्रेसर का खर्च। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में जो वार्डरोब लगा 5,56,582 रुपया का, अलमीरा लगा है माता पिता के कमरे में, बेटा बहुत अच्छा है, माता पिता का ख्याल रखे, 5.5 लाख का अलमीरा बनवा दिया, लेकिन बेटा तो आप दिल्ली के भी ना थे जी बॉस, तो दिल्ली के लोगों के पैसा का 5 लाख रुपए का अलमीरा, ये कैसा अलमीरा होता है मैं तो देखना चाहता हूं। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में ड्रेसर का खर्चा 5,51,551 रुपया, सीएम के बेटे के कमरे में वार्डरोब का खर्चा ये और बढ़ गया 7,92,059 रुपया का खर्चा, अलमीरा बना है बेटे के कमरे में, सीएम की बेटी के कमरे में वार्डरोब का खर्चा, अलमीरा का खर्चा 3,88,001 रुपया। फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम है मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर में, उसमें जो अलमीरा बना 4,66,940 रुपये का, सेकेंड फ्लोर पे वार्डरोब बना 3 लाख रुपये का। ये अलमीरा के बारे में सुनकर लोग जो है वो घबरा गए, ऐसा क्या है? लोग अपने कारपेंटर को फोन कर रहे हैं कि तुम हमको सस्ता माल टिका के चले गए क्या, यहां तो इतने लाखों का बनता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन घबरा गए होंगे,
कि चंदन की लकड़ी से तो नहीं बना है, खोले धक धक वाह चंदन की खुशबू, ऐसा तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल के घर में जो वार्डरोब की डिटेल आई है, अभी सुनते जाइए, 6 वार्डरोब बने और ये सब आम आदमी के पैसे से बने हैं, ये ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल की जेब से नहीं गया है, क्योंकि उनकी खुद की सैलरी मात्र 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया में अगर हर महीने की सैलरी भी लगा देंगे और इतने साल से सीएम है तो भी 45 करोड़ का घर रेनोवेट नहीं कर पाते। तो 6 अलमारी बनी, अलमारी, और इसकी कीमत कितनी है? 40 लाख रुपया। 40 लाख रुपए की अलमारी मुख्यमंत्री आम आदमी के मसीहा अरविंद केजरीवाल जी के घर में, 40 लाख। अगली बार वो रैली करने आएंगे तो लोग पकड़ के पूछेंगे कि सर इसमें क्या होता है, कपड़ा रखते हैं तो अपने आप प्रेस हो जाता है क्या सर, या इसमें कपड़ा रखते हैं तो अपने आप चमचम करने लगता है क्या सर, या इसमें धोना नहीं पड़ता है, ऐसा क्या अलमीरा है बॉस की 40 लाख रुपए का है? और ये वो नेता है जो कहते थे कि बॉस हमको तो गाड़ी बंगले की जरूरत ही नहीं है, 4-5 कमरे वाला घर भी इन्हें नहीं चाहिए था। ये कहते थे कि अरे इतने बड़े घर का क्या करेंगे, इतने बड़े घर की क्या जरूरत है। सुनिए केजरीवाल ने जब 2015 में सीएम पद की शपथ ली थी, 2015 का बता रहा हूं, अभी 23 में खड़े हैं, 8 साल में क्या से क्या हो गया, सुनिए 2015 में क्या कहे थे। मांगना मत, अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब, 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे 2015 में कि किसी महापुरुष ने कहा था कि आदमी की जितनी औकात हो उसी हिसाब से रहना चाहिए। आज वो महापुरुष अगर जिंदा होते तो ऑपरेशन शीश महल की डिटेल्स देखकर अपनी नस काट के मर गए होते। ऐसा करना नहीं चाहिए, आत्महत्या बुरी चीज, लेकिन आपको बता रहा अभी तो आपको किचन के बारे में बताया ही नहीं बॉस, अभी आपके मन में अलग अलग विचार पक ही रहे हैं कि ये क्या से क्या हो गया। अभी किचन का सुनिए, अभी आपको दीवारों के बारे में नहीं बताया, अभी आपको लाखों की कालीन के बारे में नहीं बताया, ये सब सुनना अभी बाकी है। कलेजा मजबूत रखिए क्योंकि झटके पे झटका लगता रहेगा। अभी आपको ये लग रहा होगा कि जिस घर में 1 करोड़ के पर्दे लग सकते हैं, 3 करोड़ का मार्बल लगा है, जिस घर में 40 लाख के सिर्फ अलमारी अलमारी बन गया, वो घर अंदर से दिखता कैसा होगा? मन में तो आ ही रहा होगा कि एक बार प्रदर्शनी ही लगा दें, मुख्यमंत्री अपना घर खोल दें कि आओ सब देख के जाओ, तुम्हारा भी जीवन धन्य हो। अरविंद केजरीवाल के घर के हॉल की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये अभी हटाइए ये वाला, अरविंद केजरीवाल के घर की जो कुछ तस्वीरें हैं पहले वो देखिए, ये जो सार्वजनिक तौर पर सामने आई, ये तस्वीर अरविंद केजरीवाल के घर के हॉल की है। इस हॉल में शानदार कारपेट बिछाया गया है, इसी हॉल में केजरीवाल लोगों से मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर की डाइनिंग टेबल भी आपको दिखाता हूं, इस डाइनिंग टेबल पर 1 साथ 10 लोग खाना खा सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के घर में और भी टेबल हैं जहां चाय नाश्ता चलता है। ये तो कुछ तस्वीरें हैं जो बाहर आई, मैं तो फिर कह रहा हूं हमारे रिपोर्टर अभी भी केजरीवाल जी के घर के बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोलें और उनको दिखाने दें कि अंदर क्या है क्या नहीं। आपने करोड़ों के पर्दे मार्बल अलमारी के बारे में सुन लिया, अब आपको केजरीवाल के घर के किचन के बारे में बताता हूं। बस एक मिडिल क्लास आदमी को अपने फ्लैट के किचन को बनवाने में कितना खर्च आता है?
हद से हद 1.5 से 2 लाख रुपया, चिमनी लगवा लिए, थोड़ा बढ़िया सा आजकल हॉब ले लेते हैं लोग, इधर उधर अलमीरा अलमीरा बनवा लिए, 4 ना 5 लाख लगा लीजिए, बहुत लगाइएगा 10 लाख लगा लीजिए, उससे ज्यादा का क्या आपका किचन बनेगा। केजरीवाल के सरकारी आवास में एक नहीं दो किचन, पहला किचन ग्राउंड फ्लोर पर है, जिसे बनाने की लागत, किचन को बनाने की लागत 31,62,012 रुपया है। 31 लाख का एक किचन बना है जो ग्राउंड फ्लोर पर है। दूसरा किचन भी है फर्स्ट फ्लोर पर और इसे बनाने में लगे हैं 32,13,940 रुपये। यानी सीएम आवास के दो किचन को बनाने का खर्च बैठा है 63,75,952 रुपया। 63 लाख के दो किचन। यहां लोग जॉइंट फैमिली में काम चला लिया करते थे एक किचन में, यहां 4 लोगों का परिवार दो किचन चला रहा है और उसमें भी 63 लाख रुपया लग रहा है। ऐसा क्या किचन है भाई? इसमें जो है मोटे दाने वाला चावल रखते हैं तो वो क्या बासमती बन जाता है? इसमें दाल रखते हैं तो अपने आप पक जाता है? कैसा किचन है भाई 60-60 लाख रुपया का? जो अपने घर में दो दो किचन बनवा रहे हैं, एक एक किचन पर 30-30 लाख रुपया से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वो एक वक्त पर कहते थे कि विधायक और मंत्री को बंगले की जरूरत ही क्या है। ये वो हैं जो कहते थे कि इस देश में वीआईपी कल्चर खत्म हो गया, वीआईपी सिर्फ आम आदमी होगा। जब इन बातों को सुन रहे हैं, उस पुराने वाले अरविंद केजरीवाल को भी याद कीजिए, सुनिए। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। थला और सीएसके, हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। लेकिन उस आम आदमी के घर में 8 लाख का पर्दा नहीं है, उसके घर में 23 पर्दे नहीं है 1 करोड़ के, उसके घर में 3 करोड़ का मार्बल नहीं है, उसके घर में 30-30 लाख के दो किचन नहीं है। तो कौन आम है कौन वीआईपी, आप समझ जाइए। किचन के बाद अब अरविंद केजरीवाल के घर की दीवारों के बारे में आपको बताता हूं। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल से दीवारों को सजाने में 4,37,37,600 रुपया खर्च हुआ है। 4 करोड़ रुपए दीवार पर प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन पैनल से दीवारों को सजाने में 58,58,555 रुपया अलग से खर्च हुआ। यानी सिर्फ दीवार दीवार को सजाने में 5 करोड़ रुपए झोंक दिए गए। 5 करोड़ की दीवारें बॉस, आदमी अरविंद केजरीवाल के घर में चला जाए तो तय ना कर पाए कि 3 करोड़ के मार्बल पे लोटे या 5 करोड़ के दीवार से सट के खड़े हो जाएं कि बॉस इसी में रगड़ लेते हैं। क्या 5 करोड़ की दीवार है? 5 करोड़ की दीवार है भाई, 50-50 लाख के 10 फ्लैट आ जाते। अरविंद केजरीवाल के घर पर सजावट का हर सामान लगा है, इसमें लाखों रुपए की कीमत की कालीन भी है। केजरीवाल के सरकारी आवास के लिए 6 हाथ से बने वुल कार्पेट, 6 हाथ नहीं है, हाथ से बने 6 कार्पेट है। तो 6 कार्पेट है जो हाथ से बने हैं, वुल कार्पेट, ये सैंक्शन हुआ। ऑर्डर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए हुआ। सीएम आवास में लगाई गई 6 कालीनों की कुल कीमत 19,89,921 रुपए। अब जहां जहां ये कालीन बिछेगी 19 लाख करीब 20 लाख रुपए की, उसके नीचे का मार्बल रोएगा कि अरे यार मैं इतना महंगा मार्बल आया मेरी छाती पे, 20 लाख का कालीन आ गया, हट कालीन। वो कहेगी कि मैं बहुत महंगी कालीन, तो चुन नीचे रहे मेरे। इन 6 कालीन पर कितने रुपए खर्च किए गए आप सुनिए। पहली कालीन 5,53,371 रुपए की, दूसरी कालीन की कीमत जो है वो 3,55,021 रुपए की, तीसरी कालीन की कीमत 4,980 रुपए की है, चौथी कालीन की कीमत भी 4,980, पांचवी कालीन 1,62,272 रुपए की है और छठी कालीन 76,797 रुपए की। आम आदमी, सो कॉल्ड आम आदमी के घर में 20 लाख की कालीन लग रही है लगभग। यहां आम आदमी वो कश्मीर से जो भाई हमारा आता है रिक्शे पे ठेले पे लेके ऐसे से कालीन सजा के आता है, कहता कालीन लाया हूं,
और कह देता है 2 न 4 हजार रुपए की है, हाथ से किया है, ये किया है, आम आदमी जो है वो उसी में घुसा रहता है, यह 10 हजार का कालीन लेंगे, 4 हजार का करो, 4 का है तो 2 का करो, 2 का है तो 1 का करो, यहां 20 लाख की कालीन लग रही है और कहने को आम आदमी। आज अरविंद केजरीवाल के आलीशान सरकारी घर को लेकर सवाल क्यों हो रहे हैं यह भी समझना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में उनके समर्थकों ने सादगी को लेकर खूब सियासी मार्केटिंग की थी, केजरीवाल के बारे में दिखाया कि उनके जैसा नेता कोई नहीं है, जो सीएम होकर भी वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। आपको ऐसे पोस्ट दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर केजरीवाल के समर्थक लगातार पोस्ट करते रहे। एक पोस्ट देखिए जिसमें लिखा है कि 5 रुपए का पेन और पैरों में सैंडल, ये केजरीवाल की सादगी है। 5 रुपए का पेन, पैरों में सैंडल, नीचे में लिखना चाहिए था 8 लाख का पर्दा और 3 करोड़ के मार्बल, सैंडल मार्बल राइमिंग भी हो जाता। इस पोस्ट में केजरीवाल के समर्थक कह रहे हैं कि कपड़े नहीं सोच ब्रांड होनी चाहिए, सादगी की मिसाल अरविंद केजरीवाल, उनके जूते, उनके चप्पल, उनकी बाहर निकली कमीज, उनकी फटी हुई वो क्या जो स्वेटर, फटा हुआ स्वेटर, मफलर ऐसे लपेट लिए घन घन घन। आम आदमी ये 45 करोड़ के रेनोवेशन वाले घर में जाएगा वो पागल हो जाएगा, 45 करोड़ का घर। ऐसा ही एक पोस्ट है 2002 के केजरीवाल और 2012 के केजरीवाल और 2017 के केजरीवाल की तुलना करते हुए लिखा गया, 2002 के, तब से अब तक ना सादगी बदली है, ना हौसला कम हुआ है और ना देश बदलने की जिद कमजोर हुई। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत ने जो खुलासा किया उससे पता चलता है कि सादगी वाली सियासी मार्केटिंग अपनी जगह है और सच अपनी जगह। हमारे रिपोर्टर आज भी अभी भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े हैं, पुलकित खड़े हैं और हमारे सहयोगी खड़े हैं, हम उनके पास आएंगे, थोड़ा आप लोग भी रुकिए, मैं मुझे पता है कि आप लोग बहुत देर से खड़े हैं पुलकित और प्रेरित, लेकिन आप लोग भाई शीश महल के बाहर खड़े हैं तो उसी को देख के मजा लीजिए, थोड़ी देर मैं आ रहा हूं आप लोग के पास। आपको यह भी बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में 45 करोड़ रुपए लगाकर जो रेनोवेशन उस वक्त हो रहा था जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, बॉस देश कोरोना से जूझ रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और घर का रेनोवेशन चल रहा है, इलाज में लोगों के घर बिक रहे थे और इन हालात में केजरीवाल के सरकारी आवास में करोड़ों रुपए खर्च करके रेनोवेशन हो रहा था। आप टाइमिंग देखिए बॉस कि किस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर को सजाने पे खर्च हो रहा था। और यह भी नहीं है कि नया घर बन रहा होता मुख्यमंत्री का तो मैं सोचता चलो पहले से बन रहा है, नया घर बन रहा है तो बनने के लिए रहने के लिए घर बनना जरूरी है, रेनोवेट करा रहे हैं। आप देखिए 1 सितंबर 2020 इस वक्त 7 करोड़ 91 लाख रुपए सेंक्शन होते हैं, ये सेंक्शन रकम बता रहा हूं। 1 सितंबर 2020 कोविड की पहली लहर और यहां 7 करोड़ 91 लाख रुपए रेनोवेशन पे खर्च हो रहे हैं। 8 जून 2021 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च होते हैं रेनोवेशन के लिए, सेंक्शन होते हैं कि जाइए बनाइए। ये कोविड की दूसरी लहर थी, पहली लहर में 7 करोड़ खर्च हो रहे थे, दूसरी लहर चल रही है, लोग परेशान हैं कि भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा, दिल्ली में दिक्कत आ रही है, यहां तो घर बन रहा है भाई 1 करोड़ 64 लाख रुपए का। फिर देखिए 22 अक्टूबर 2021 9 करोड़ 9 लाख रुपए सेंक्शन होते हैं, तब भी कोविड का खतरा चल रहा था। 30 दिसंबर 2021 5 करोड़ 73 लाख रुपए सेंक्शन होते हैं और इसमें खर्च सेंक्शन हुआ 5 करोड़, खर्च बढ़ जाता है 8 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हो जाता है। और 29 जून 2022
29 जून 2022 इस दिन सैंक्शन होता है कि 9 करोड़ 34 लाख रुपया खर्च हो सकता है मुख्यमंत्री के घर को चमकाने पर। ये आप डेट्स देखिए बॉस, ये सारे कोरोना के बीच में चल रहा है। आम आदमी सोच रहा है खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, नौकरी होगी नहीं होगी, घर कैसे बचेगा, यहां शीश महल बन रहा है। अरविंद केजरीवाल पर हुए खुलासे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं से सफाई तक नहीं देते बन रहा। हमने तो यहां तक कहा कि चलिए ठीक है, हम मानते हैं डॉक्यूमेंट जो है अधिकारियों ने फर्जी बना दिए होंगे, आप दरवाजा तो खोलिए, दिखाइए तो आप कैसे रहते हैं। दरवाजा भी नहीं खोल रहे, पुलकित प्रेरित खड़े हैं और रिपोर्टर खड़े हैं, कोई घुसने नहीं दे रहा। अच्छा, जवाब भी नहीं देते बन रहा। राघव चड्ढा ने यह कहकर केजरीवाल का बचाव किया कि सरकारी बंगला लगभग 80 साल पुराना था, जर्जर हालत में था, इसलिए रेनोवेशन कराया गया। लेकिन वो इसका ठोस जवाब नहीं दे पाए कि रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए गए। सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बयान। जिस घर की आज आप बात कर रहे हैं, जिस पर इतना बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी, मैं उस पर आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे वो घर 1942 का बना हुआ था, लगभग 75 साल से भी ज़्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था, जिसकी छत 3 बार गिरी, उनके माता पिता के कमरे की छत 1 बार गिरी, उनके बेडरूम की छत गिरी, दफ्तर की छत गिरी, और जब दिल्ली सरकार के अपने पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऑडिट कर कहा कि ये घर रहने लायक नहीं है, इसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, छत गिर रही है, दीवारें टूट रही हैं, इस मकान को तोड़ के नया बयाना बनाया जाए, तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के मकान को नया बनाया। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये सरकारी घर है, कोई अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी तो करा नहीं ली, सरकारी मकान है, गवर्नमेंट एसेट है, जो मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, स्पीकर होता है, वो सरकारी निवास पे रहता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल या उनके परिवार ने हड़प नहीं लिया मकान, अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करा ली। तो राघव चड्ढा जो बयान दे रहे हैं उसमें वो इस बात से इनकार तो नहीं कर रहे कि भाई ये लाखों के करोड़ों के पर्दे, कालीन, दीवार पर करोड़ों का खर्च, ये सब नहीं हुआ। उनका लॉजिक दो है, एक कि घर पुराना हो गया था इसलिए रेनोवेट कराना पड़ा, जर्जर हो गया था, तो बॉस ये किसी ने लिख के दिया था कि जर्जर घर में 1 करोड़ का पर्दा लगाओगे तभी बचेगा नहीं तो गिर जाएगा। किसी ने लिख के दिया था कि वियतनाम से आया हुआ मार्बल लगाओगे नहीं तो छत जो है वो टपकती रहेगी। किसी ने कहा था कि दीवार पर करोड़ों खर्च कर दोगे नहीं तो दीवार गिर जाएगी। किसी ने कहा था कि कालीन नहीं लगाओगे तो पूरा घर भरभरा के गिर जाएगा। घर जर्जर था तो बना लेते, 45 करोड़ के बिना घर नहीं ठीक हो पा रहा था, और कह रहे हैं कि ये कोई अरविंद केजरीवाल का घर थोड़ी है, ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है। तो बॉस जो वो शीला दीक्षित का दफ्तर बताते थे, सचिवालय बताते थे कि वहां एसी लगा है, ये लगा है, वो क्या शीला दीक्षित की अपनी कमाई का पैसा था क्या, या वो जो है रजिस्ट्री करा के बैठी हुई थी कि मैं तो इसको जो है अपने परिवार के नाम कर दूंगी। जिस जिस नेता के लिए आप पूछते थे उनका क्या अपना था क्या? ये जो सेंट्रल विस्टा को ये लोग बताते रहे कि नरेंद्र मोदी का महल बन रहा है, बंगला बन रहा है, जो कि संसद बन रही थी, वो क्या नरेंद्र मोदी का अपना था क्या? आज जब अपने पर सवाल आया तो ये अपना थोड़ी है, ये तो सरकारी है, कोई भी रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, लेकिन वो 1 करोड़ के पर्दे के बिना भी रह सकता है बॉस, वो 3 करोड़ के मार्बल के बिना भी रह सकता है, वो 19 लाख के कालीन के बिना भी रह सकता है, पैसा क्यों नहीं बचाया? आम आदमी थे तो सवाल इस बात का है। मैंने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से सवाल किया था कि अगर हमारे फैक्ट गलत है तो क्या सीएम केजरीवाल टाइम्स नाउ न भारत के कैमरे पर अपना घर दिखाएंगे? इस पर राघव चड्ढा से कोई सीधा जवाब देते नहीं बन पाया था, एक बार वो भी हिस्सा सुन लीजिए। राघव भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं इस पे बात कीजिए, उस पे बात कीजिए, इससे कंपैरिजन कीजिए, उससे कंपैरिजन कीजिए, तो आप टाइम्स नाउ की खबर की पुष्टि कर रहे हैं कि इसमें से एक भी डेटा गलत नहीं। हमने तो यह भी गुंजाइश छोड़ी थी कि कहीं कोई हो सकता है अधिकारी मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए 8 लाख रुपए, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, एक रत्ती भर भी नहीं कर रहा। हाँ, आपके आंकड़े भी गलत हैं, आपकी जानकारी भी गलत है। तो कैसे गलत है? नहीं, अभी आप कह रहे थे कंपैरिजन कीजिए, अब आप कह रहे हैं आंकड़े गलत है, जानकारी।
जानकारी गलत है। तो राघव भाई इतना सा काम कर दीजिए, आप मुख्यमंत्री के घर का दरवाजा खुलवा दीजिए, हमारे कैमरे को अंदर घुसवा दीजिए, हम इन अधिकारियों को एक्सपोज कर देंगे जिन्होंने इन कागजों में नंबर लिखे कि इतने इतने का पर्दा, इतने की मार्बल, ये सब एक्सपोज कर देंगे। आप मुख्यमंत्री का दरवाजा खुलवा दीजिए घर का। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री का दरवाजा दिल्ली की जनता के लिए खुला हुआ है, जरा थोड़ा सा सैर सपाटा प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे। अब फिर आप प्रधानमंत्री लगा सेवन रेस। अरे भाई, प्रधानमंत्री का बयान नहीं है ना कि लोगों के बाथरूम में एसी लगता है, हम ये कल्चर खत्म करने आए हैं। मुझे खुलासे का मौका दीजिए, मैं भी आपके चैनल पे खुलासा करने जा रहा हूँ। आपने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, आप बोले जा रहे हैं मान गए, ये डॉक्यूमेंट में अच्छी बात है कि वो मान गए। अच्छा, जब से हम ये ऑपरेशन शीश महल दिखा रहे हैं, हम बार बार इस बात की गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि हो सकता है अधिकारियों की, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत रही हो, गलत डेटा हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो। भाई, अरविंद केजरीवाल जी अपने घर का दरवाजा खोलें और दिखाएं कि आओ नव भारत की टीम, देखो मेरे घर में कोई मार्बल नहीं है, मेरे घर में कोई करोड़ों के पर्दे नहीं है, मेरे घर में कोई ऐसा कालीन नहीं है, दिखा दें वो। लेकिन शाम 6 बजे से अब रात के 9:30 बज गए, हमारे रिपोर्टर खड़े हैं वहां, दरवाजा ही नहीं खुल रहा। हमारे सहयोगी प्रेरित और पुलकित इस वक्त दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं। पुलकित, कोई गुंजाइश आपको लग रही है मुख्यमंत्री के घर का दरवाजा खुले, हम अंदर जा सकें, सच देख सकें? देखिए, ऐसा इनवाइट तो हमें नहीं आया कि हम मुख्यमंत्री के घर के अंदर जा सकें। ये सामने आप देख सकते हैं, यही रोड है और लेफ्ट हैंड पे मुख्यमंत्री निवास है। लेकिन आप ये जो सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इससे आगे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है अभी यहाँ पे आज के दिन। वजह, एक ड्रोन यहाँ पे उड़ाने की बात आई थी सामने कि एक ड्रोन के जरिए यहाँ की तस्वीरें बनाई गई, जिसकी शिकायत भी हुई और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर आई, तमाम जगहों की चेकिंग भी की। तो आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते और ऐसा कोई इनवाइट भी नहीं आया कि आप मुख्यमंत्री आवास पर या आगे की तरफ जा पाए। जी प्रेरित, आपको कोई उम्मीद लग रही है कि आप जा पाए अंदर? हो सकता है केजरीवाल जी आपको कहें कि प्रेरित तुम आओ दिखाओ अंदर। अब बिल्कुल, देखिए सुशांत, मैं लगातार इसी बात का इंतजार कर रहा हूं कि काश मुख्यमंत्री मुझे भी बाहर से बुलाएं और अपने घर के दर्शन कराएं, जो आलीशान और जो भव्यता के साथ उन्होंने बनाया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2011 के ही आंदोलन से और जिस तरीके से उनके सियासी दल का जन्म हुआ, आम आदमी को लेकर के जो उन्होंने अपनी एक धारणा बनाई लोगों के बीच में कि बाहर निकला हुआ शर्ट है, चमड़े का चप्पल है और 5 रुपए का रेनॉल्ड्स का पेन है, और उसके बाद से जिस तरीके से लगभग 45 करोड़ का जो उनके घर के अंदर का जो आलीशान भव्यता लोगों को टाइम्स नाउ नव भारत लगातार दिखा रहा है, वो टाइम्स नाउ नव भारत खुद भी चाहता है कि जो सीएम अरविंद केजरीवाल है वो उन्हें बुलाएं घर के अंदर और वो अपने कैमरे के जरिए उन्हें दिखाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बुलाने की तो बात दूर है, यहां तक कि पहले जो मीडिया का एक्सेस था वो उनके जो मेन गेट जहां बैरिकेड देख रहे वहां तक अलाउ था, लेकिन जैसे ही ये स्टिंग ऑपरेशन चला उसके बाद तमाम तरह की बातें कर करके एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, जो सीएम आवास से तकरीबन जो है वो 50 मीटर पहले ही एक हमें जो है डायरेक्शन दिया गया है कि पुलकित और प्रेरित हमारे दोनों सहयोगी खड़े हैं। राघव चड्ढा बोल के गए कि आम आदमी के लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा खुले हैं, ये दोनों भी आम ही आदमी है, इनके घर में 500 रुपए का पर्दा लगा होगा, 1000 का लगा होगा, इससे ज्यादा का क्या लगा होगा, इससे ज्यादा आम आदमी क्या होगा, इनके घर में 3 करोड़ का मार्बल थोड़ी लगा है, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने मिल रहा है। लेकिन हमारे सहयोगी वहां खड़े हैं, हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अपना घर दिखाएं और अपना पक्ष और अपना सच दिखाएं, हम तो उसका भी मौका दे रहे हैं। आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, थोड़ा प्रयास और कीजिए, हो सके अरविंद केजरीवाल जी दरवाजा खोलें। लेकिन केजरीवाल के आवास पर जो पैसा खर्च हुआ है वो 45 करोड़ रुपए केजरीवाल ने अपनी जेब से खर्च नहीं किए, वो आम आदमी की कमाई का पैसा। और इसी तरह की बात केजरीवाल कभी कहा करते थे कि आम आदमी के टैक्स का पैसा आम आदमी के ऊपर खर्च हो, ना कि नेताओं के बंगले और गाड़ी पर। अरविंद केजरीवाल भूल गए होंगे, लेकिन ये जो कैमरा नाम की चीज बनी है ये बड़ी कमाल की है, ये सब रिकॉर्ड करके रखते हैं और पाठशाला में हम खोद खोद के निकाल देते हैं। सुनिए केजरीवाल की वो पुरानी बात, वो खुद क्या कहते थे। इस देश का एक एक आम आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, क्योंकि एक गरीब आदमी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उस माचिस के ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। ये लालू यादव ये भूल गए कि उनकी गाड़ी और उनका बंगला उस गरीब आदमी के टैक्स से चलते हैं। मागुनोकोस हॉट स्वीट के टैक्स से चलते हैं।
ये कमाल, लालू जी भूल गए, शीला दीक्षित भूल गई, सब भूल गए। अरे बॉस आप तो याद रखते, आप कैसे भूल गए कि ये करोड़ों रुपए जो 45 करोड़ लगेंगे घर के रेनोवेशन में, ये आम आदमी के पैसे। और इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं, वो लोग भी पूछ रहे हैं जो कभी केजरीवाल के साथ थे। टाइम्स नाउ ना भारत के खुलासे के बाद अलका लांबा ने क्या कहा, कांग्रेस की नेता है, सुनिए जरा। दिल्ली के खुद को आम आदमी का मुख्यमंत्री कहने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने कहा था मैं सरकारी आवास बंगला नहीं लूंगा, उसे लिया ही नहीं, उस पर 45 करोड़, जी हाँ 45 करोड़ के करीब खर्च कर दिया है। खुलासे में बताया जा रहा है कि 9 करोड़ का स्विमिंग पूल बना है, 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, वो भी ये तब खर्च हुआ जब पूरी दिल्ली कोरोना महामारी के बीच में बिना ऑक्सीजन के जिंदगी और मौत के झूल रही थी। अपने सरकारी आवास में 45 करोड़ का खर्च, जवाब तो देना चाहिए कि आपकी कथनी और करनी में सत्ता में आने के बाद कितना अंतर आया है। टाइम्स नाउ ना भारत के इस खुलासे के बाद कोई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहा है, कोई कह रहा है कि भाई अपने घर की वीडियोग्राफी करके दिखाइए। टाइम्स नाउ ना भारत के ऑपरेशन शीश महल से देश की राजनीति में हड़कंप आया हुआ, बीजेपी क्या कह रही है वो भी आपको सुनवा दें। आज अरविंद केजरीवाल जी के घर के रिनोवेशन को लेकर टाइम्स नाउ चैनल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, ऑपरेशन शीश महल। जरा सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम वीआईपी कभी नहीं बनेंगे, हम साधारण रहेंगे, उसी अरविंद केजरीवाल जी ने 45 करोड़ का अपने बंगलों के रिनोवेशन पर खर्चा किया है। अभी टाइम्स नाउ में देखने को मिला है कि जो पर्दे लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पे, वो लाखों के पर्दे हैं, लाखों और करोड़ों के टाइल्स लगाए गए हैं, दूसरे देश से ये टाइल मंगाए गए हैं। आप जरा सोच के देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके मंत्रीगण और अरविंद केजरीवाल कोई ऑटो में लटक के आ रहा था तो कोई अपनी निजी गाड़ी में आ रहा था, ये कहते हुए कि हम सरकारी गाड़ी कभी नहीं लेंगे, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास गाड़ी खरीदने के लिए, हमारे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और आज न केवल ये लोग भ्रष्ट हैं, आज इन लोगों ने टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल किया है अपने ऐशो आराम के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने बंगले के लिए, ये और कुछ नहीं। यह एक नमूना है पूरे देश में कि किस प्रकार से यू टर्न लिया जाता है। जो इतने रिएक्शन आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में अपनी आत्मा झोंक दी थी, और वो सच में आम लोग थे, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, उनको लगता था ये सच में देश बदल देंगे। आज जब वो करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के मार्बल फ्लोरिंग, करोड़ों की दीवार, ये सब सुन रहे हैं कि इसके बीच उनका वो आम आदमी रह रहा है जो पॉलिटिक्स बदलने आया था, वो सबसे ज्यादा आहत है। उनको इधर लगा है बॉस कि बाहर 5 रुपए का पेन लेके चलते हैं और अंदर करोड़ों का पर्दा लगा रहे। केजरीवाल के घर को तब सजाया गया जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, ये सबसे ज्यादा हैरान करता है। नेताओं को यही बात हैरान कर रही है। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने टाइम्स नाउ न भारत के ऑपरेशन शीश महल के खुलासे पर क्या कहा है वो सुनाता हूं, फिर इसके बाद आपको गौतम गंभीर के बारे में बताऊंगा और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अस्तब्ध हूं मैं, संवेदनहीनता, इसकी सारे रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिए, और वो भी तब तोड़े जब पूरी दिल्ली, पूरा देश कोरोना की हाहाकार से चीख पुकार मची हुई थी, लोग जान बचाने के लिए अस्पताल दर अस्पताल भाग रहे थे, तब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना घर शीश महल बनाने के लिए 44,78,00,000 रुपया लगा दिया। मैं सोच रहा हूं कोई अपने जीवन में इतना कैसे गिर सकता है, कोई व्यक्ति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है।
जिस तरीके से वो एक्सपोज होते चले जा रहे हैं ना दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम पिछले कितने समय से ये कहते आ रहे हैं कि देश या फिर दिल्ली के प्रति उनकी कोई किसी तरीके की कोई प्रेम की भावना नहीं है। दिल्ली उनके लिए सिर्फ एक मिल्किंग काउ है, यहाँ से आप पैसा कमाइए, बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़िए और दिल्ली की जनता को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति जिस वक्त में, जब कोरोना का वक्त था, इनफैक्ट लोगों ने अपना पेट काट के लोगों को खाना खिलाया है, लोगों की मदद करी है, अगर आप उस वक्त भी इस तरीके से अपने अपने घर को बेहतर कर सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं 44 करोड़ की, तो इससे आपको पता चलता है कि उनका कितना प्यार है इस देश और दिल्ली के प्रति। सुनो, तेल व्हील्स। मैं तो क्या कहता हूं ना, नेताओं की बात छोड़ दी, चलिए ठीक है, कोई कहेगा कि नेता जो है उसका अपना इंटरेस्ट, वो इसलिए अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, कोई इस्तीफा मांग रहा है, कोई जो कह रहा है भाई वीडियोग्राफी कराइए वगैरह, पब्लिक का क्या है बॉस? ट्विटर पर ऑपरेशन शीश महल ट्रेंड कर रहा है, नंबर वन पर है देश में, पिछले कई घंटे से बना हुआ है, आप जाके पढ़ लीजिए पब्लिक क्या लिख रही है। बॉस पब्लिक क्या चाहती थी आपसे, क्या सोचकर आपको वोट दिया? सिर्फ यही ना कि भाई आपको पावर दे रहे हैं, आप आम आदमी को पावर देंगे? क्या ये बिना एक करोड़ के पर्दे के वो घर घर नहीं रह जाता? बिना 3 करोड़ के मार्बल लगे, वियतनाम से आए मार्बल के, वो घर घर नहीं रह जाता? लोग आते तो कहते नहीं, ये सीएम से नहीं मिलेंगे। क्या लाखों के वार्डरोब नहीं बनते तो काम नहीं चलता? आम आदमी जो बॉस, हम लोग रहते थे पटना में, मैं आपको बताता हूं, सरकारी हमारा घर था, हमारे तो अलमीरा भी नहीं होता था, वो ऐसा सीमेंटेड स्लैब बना देते थे जिसको रैक कहते थे, उस पर कपड़ा रखते थे बॉस। ये होता है आम आदमी। और जो लोग अभी पाठशाला में आए हैं, आप सुनिए एक बार, आपको याद दिलाता हूं, ऑपरेशन शीश महल में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा तो केजरीवाल के घर के इंटीरियर पर खर्च हुआ, इंटीरियर डेकोरेशन पर 6 करोड़ से ज्यादा रुपए स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग पर खर्च हुए हैं, 1 करोड़ रुपए सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर खर्च हो गए, 2.5 करोड़ रुपए करीब करीब इलेक्ट्रिकल फिटिंग पर खर्च हो गए, गैजेट्स एप्लायंसेस पर खर्च हो गए, 2.85 करोड़ रुपए फायर फाइटिंग सिस्टम पर खर्च हुए, 1.5 करोड़ रुपए का अलमारी एसेसरीज फिटिंग्स पर पैसा लग गया, 1.10 करोड़ रुपए का किचन पैंट्री किचन अप्लायंसेस पर खर्च हो गया, 45 करोड़ रुपए का घर का रिनोवेशन और 2-2 किचन। एक वक्त था जब केजरीवाल अन्ना हजारे का नाम लेकर यह कहते थे कि कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो इस कुर्सी पर बैठता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। आज लोग केजरीवाल की इसी बात को याद दिला रहे हैं, सुनिए अरविंद केजरीवाल का वो बयान। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। ये बयान आप सुन लीजिए, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो कुर्सी पे बैठता है वही गड़बड़ा जाता है, दोष शायद कुर्सी का है, कुर्सी। आपको आंकड़ा भी दिखाता हूं कि कैसे साल दर साल आम आदमी पार्टी के करोड़पति विधायकों की संख्या बढ़ी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के करोड़पति विधायक 2013 में 28 विधायक थे, 28 में से 12 विधायक करोड़पति, यानी कुल 43%। 2015 में 67 विधायकों में से 44 करोड़पति विधायक हो गए आम आदमी पार्टी के, यानी 63%। 2020 में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के थे, उसमें से 52 करोड़पति निकले, यानी 74%। यानी आम आदमी पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उसके अंदर करोड़पति विधायकों की संख्या बढ़ती गई। आई थी तो आम आदमी विधायक बन रहा था, आज करोड़पति विधायक बन रहे हैं। ये आम आदमी ने अपनी मर्जी से एक पार्टी बनाई थी, एक नेतृत्व चुना था, और उसका यह हाल होगा किसी ने नहीं सोचा। आपकी राय हम